टाटा मोटर्स अपनी ऑल इलेक्ट्रिक कार्स को अपडेट कर रही है, जिनमें कि हमें कुछ नए फीचर्स और ज्यादा इलेक्ट्रिक रेंज वाले बैटरी पैक्स मिलेंगे। और उन अपडेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है नई टिगोर इलेक्ट्रिक भी, जिसके कि अपडेटेड वेरिएंट को रिसेंटली टेस्टिंग करते हुए स्पाई कर लिया गया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी स्पाई टिगोर इलेक्ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप टिगोर इलेक्ट्रिक और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2022 टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2022 टिगोर इलेक्ट्रिक को देख सकते हैं, जहाँ ये टेस्टिंग वेरियंट काफी ज्यादा कवर्ड था। इस टेस्टिंग वेरियंट के व्हील्स पर दिए हुए ब्लू कलर के डिजाइन एलिमेंट से ये बात कन्फर्म होती है कि ये टेस्टिंग वेरिएंट टिगोर का ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट ही था जिसको कि टेस्ट किया जा रहा था। बाकी इस वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी फिटेड दिख रही हैं। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके रियर एंड को देख सकते हैं, जहां इसको एलईडी टेल लाइट्स का फीचर दिया हुआ दिख रहा है। बाकी टिगोर इलेक्ट्रिक में हमें एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैंप्स और रूफ स्पॉइलर वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही। चलिए अब इसकी तीसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके फ्रंट इंटीरियर्स को देख सकते हैं, जहां इसको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, 7-inch टचस्क्रीन सिस्टम, ब्लू कलर एक्सेंट्स ऑन एसी वेंट्स और रोटरी नॉब फॉर गियर शिफ्टर वाले फीचर्स दिए हुए थे। तो ये तो होगी 2022 टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक रेंज और बैटरी पैक की बात करते हैं। अगर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 2022 टिगोर ईवी में हमें करंट टिगोर ईवी से बड़ी बैटरी मिलेगी, जो कि 400 प्लस किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी। और ये नया वेरिएंट करंट 312 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट्स के साथ ही साइड बाय साइड सेल होगा। तो ये तो होगी 2022 टिगोर ईवी के एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक रेंज की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। 2022 टिगोर ईवी में हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, 3D LED टेल लाइट्स, 15-inch अलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 7-inch टचस्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, IRA कनेक्टेड कार्टेक, रिमोट कमांड्स, ऑटोमेटिक AC, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, मैनुअल डे नाइट IRVM, कूल ग्लव बॉक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जर्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में नई टिगोर ईवी में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा विद डायनामिक असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2022 टिगोर ईवी के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। टाटा मोटर्स नई टिगोर ईवी को 13.5 लाख से 15 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च इस साल के एंड में है। और लॉन्च होने के बाद ये बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2022 टाटा टिगोर ईवी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।